हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको स्टूडेंट के लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर स्कूल स्टूडेंट है तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। आपके लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं आपको बहुत सारे लिस्ट नहीं बताऊंगा लैपटॉप्स की, मैं सिर्फ आपको एक लैपटॉप बताऊंगा जो आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपको बिल्कुल पसंद भी आएगा। तो दोस्तों, इस लैपटॉप का नाम है आसूस वीवो 15 और इस लैपटॉप की बेस्ट थिंग है इसका डिजाइन और इसका परफॉर्मेंस। एक बार इसके आप लुक को देखिए, कितना स्लिम और थिन लुकिंग डिजाइन है इसका। इसका डिस्प्ले का बेजल्स कितने कम है। इस प्राइस सेगमेंट पे आपको इससे बेहतरीन डिजाइन का लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा और इसकी परफॉर्मेंस भी कमाल की है। स्पेशली मुझे इसका डिजाइन बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत ही स्लिम लुकिंग डिजाइन है। दोस्तों, ये लैपटॉप विंडोज 10 प्री इंस्टॉल के साथ आता है और इसमें जो प्रोसेसर है आपका AMD रेजन 5 3500U मिलता है। इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है 2.1 GHz और टर्बो स्पीड है 3.7 GHz और इसमें नंबर ऑफ कोर 4 है। दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है इंटेल कोर i5 और i6 से भी बेहतरीन है। अगर आप इंटेल कोर i5 का लैपटॉप लेने जाएंगे तो आपको आराम से 50-60 हज़ार में पड़ जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेसर है इंटेल से बढ़िया है, लेकिन आपको प्राइस भी कम देना पड़ रहा है। तो ये खासियत है इस लैपटॉप की, इसका प्रोसेसर बहुत ही कमाल है। इसकी आप रैंकिंग आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कितने बेहतरीन रैंकिंग है इसकी। इस लैपटॉप का वेट 1.7 kg और 19.9 mm थिन है। बात करें इस लैपटॉप की स्टोरेज और मेमोरी की, तो इसमें आपको 8 GB DDR4 2400 MHz की रैम मिलती है, जिसे आप 20 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज में आपको 512 GB यानी कि 512 GB का SSD मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप SSD और HDD में डिफरेंस नहीं जानते तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। SSD फार फार बेटर होता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है HDD के मुकाबले। और DDR4 जो है बहुत ही बेहतरीन है DDR3 से। DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट और ये 4th जनरेशन का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDR3 से बेटर है, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हैं, कई सारे चीज़ों को एक साथ चला सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और आपको SSD भी मिलता है, जो कि कमाल की बात है। इस प्राइस सेगमेंट पे आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। बात करें इस लैपटॉप की डिस्प्ले साइज की, तो इसका डिस्प्ले साइज है 15.6 इंचेस, जो कि 16:9 बॉडी रेशियो के साथ आता है। ये फुल HD डिस्प्ले है, यानी कि 1920x1080 पिक्सल 60 Hz के साथ आता है। इसमें आपको एंटी ग्लेयर पैनल मिलेगा। एंटी ग्लेयर पैनल मतलब होता है कि अगर आप सनलाइट में काम करते हैं तो इसके कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाते हैं और आपकी आंखों पर कम स्ट्रेस पड़ता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर हम बात करते हैं इसके कीबोर्ड की, तो इसमें कीबोर्ड में आपको बैकलाइट मिलेगा, यानी कि कीबोर्ड में लाइट्स रहेंगी और कीबोर्ड काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी स्लिम है। बात करें कनेक्टिविटी पोर्ट्स की, तो इसमें आपको एक ऑडियो जैक, 2 USB 2.0, एक USB 3.0 Type-A और एक USB 3.0 Type-C मिलेगा। इसके अलावा आपको एक HDMI भी मिलेगा। बात करें इस लैपटॉप के एडिशनल फीचर की, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, मतलब इसको लॉक ऑन लॉक ऑफ आप फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं, जैसा कि आप मोबाइल में करते हैं। और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, 49 मिनट में 60% चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसकी बैटरी लाइफ 6 to 8 आवर्स की है। तो दोस्तों, इतने सारे एडवांस और एडिशनल फीचर के साथ ये लैपटॉप आता है। इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और ये लैपटॉप बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर स्कूल स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे परचेज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में इतने सारे फीचर्स और इस टाइप का डिज़ाइन का लैपटॉप मिलना मुश्किल है। काफ़ी बेहतरीन लैपटॉप है, सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं, सारे एडिशनल फीचर्स, लुक, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें बेहतरीन है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो मैं आपको एक और लैपटॉप का नाम बताता हूँ। इस लैपटॉप का नाम है आसूस वीवो 15। इसमें जो चेंजेस हैं वो प्रोसेसर का चेंजेस है और मेमोरी के चेंजेस है। इसमें आपको इंटेल कोर i3 8th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, 4 GB की रैम मिलती है और 256 GB की SSD मिलती है। इसके अलावा बाकी चीज़ें सिमिलर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, डिस्प्ले भी ठीक है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है और अब जो आपका मेमोरी है वो कम हो जाएगा। बाकी चीज़ें सेम है। इसकी प्राइस है आपको 35,794 रुपीज़। दोनों लैपटॉप सेम है, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर आप किसको लेना चाहते हैं। और दोनों लैपटॉप मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 41,000 रुपीज़ वाला खरीदिए, क्योंकि इस लैपटॉप को आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं, 5-6 साल तक आराम से लैपटॉप चलेगा। आप नॉर्मल वर्क के साथ साथ हैवी वर्क, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप i3 वाला लैपटॉप लेंगे जो कि 35,000 के आसपास का है, तो उसमें आप हैवी वर्क नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर लैग करेगा। मेरा मानना है कि 41,000 के लीजिए, आराम से 5-6 साल आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। गेमिंग कर सकते हैं, हाई एंड गेमिंग कर सकते हैं। इसका प्रोसेसर बहुत ही बेहतरीन है। मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहाँ पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, लुक, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखा गया और प्राइस भी बहुत ही कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।